Hello students, welcome to gatelectures.com. Today we will start a new course on mechanical engineering for gate exam and ESE exams. Today we will analyze the gate exam for mechanical engineering, the weightage of subjects in mechanical engineering, how much questions comes from which subject, and the importance of subjects and the topics we will discuss here today. Let's see, total subjects in mechanical engineering, the total number of subjects in mechanical engineering divided in three parts. Mechanical engineering ke total subjects ko hum teen groups mein divide kar rahe hain. फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री. ग्रुप फर्स्ट में हम रखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सेकेंड सब्जेक्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ मशीन एंड फोर्थ वन इज मशीन डिजाइन. ग्रुप टू में आते हैं. ग्रुप टू में पहले सब्जेक्ट रखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स. This is the first subject in group 2. Second subject is our thermodynamics. Third subject is heat transfer. Fourth subject is refrigeration and air conditioning. Fifth subject is IC engine. Sixth one is power plant engineering and seventh one is turbo machinery. Group 3 में आते हैं. First subject is production technology. Second one subject is industrial engineering. And one next category is which one? इसको ग्रुप फोर बोलते हैं. ग्रुप फोर, इन दिस द फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. सेकंड सब्जेक्ट इज एप्टीट्यूड. अब देखते हैं, एनालिसिस पे आते हैं. ये जो अपना ग्रुप फोर जो है, इट कंटेन्स 30 मार्क्स. 15 मार्क्स की एप्टी आती है और 15 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है. बोथ सब्जेक्ट कंटेन्स 15 मार्क्स इच. ओके, अब आपके पास बचते हैं 70 मार्क्स. 70 मार्क्स में ग्रुप डिवाइड किया है तीन. ग्रुप वन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड टोम एंड मशीन डिजाइन. अगर किस एग्जाम में टोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक दूसरे से मतलब वेरिएशंस आती हैं, ये टोटल चारों सब्जेक्ट्स मिलके कंटेन करते हैं 23 to 25 मार्क्स. यहां पर आते हैं, इसमें सब्जेक्ट कुछ ज्यादा दिख रहे हैं. फर्स्ट वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स, सेकंड वन इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड वन इज हीट ट्रांसफर, फोर्थ वन इज आरएसी, फिफ्थ वन इज आईसी पावर प्लांट एंड टर्बो मशीनरी.
इन द आईसी इंजन में केवल आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स पढ़ने हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। पावर प्लांट में रैंकाइन रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल, रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल। एंड न्यूली एडेड टॉपिक इज कंप्रेशर, कंप्रेसर। एंड टर्बो मशीनरी में आपको टर्बाइंस और पंप्स, टर्बाइंस और पंप्स। ओनली हाइड्रोलिक टर्बाइंस, नॉट स्टीम टर्बाइंस, ओनली हाइड्रोलिक टर्बाइंस। नाउ दिस सेक्शन ऑल्सो कंटेन्स 23 to 25 marks, 23 to 25 marks। एंड ग्रुप थर्ड पे आते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप लोग कॉलेज लाइफ में पढ़ते हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च भी आप लोग पढ़ते हो, तो दोनों को कंबाइंड करके मैंने नाम दिया दिस इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आपके टॉपिक्स आ जाएंगे टोटल ऑपरेशन रिसर्च में, जो चीजें आप लोग पढ़ते हो, लिनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, बिगम मेथड, ड्यूअल सिंप्लेक्स, देन ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, वर्क स्टडी, वैल्यू इंजीनियरिंग, एमआरपी, पर्ट सीपीएम, इन्वेंट्री, देन सिक्वेंसिंग, लाइन बैलेंसिंग, फोरकास्टिंग, क्यूइंग मॉडल। ये टोटल जो मॉडल्स हैं ये इंडस्ट्रियल के टॉपिक्स आते हैं, और इंडस्ट्रियल के टॉपिक्स ये होते हैं, और उसके साथ आता है प्रोडक्शन का इक्विवेलेंस। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। अगर एक का वेटेज कम हुआ, किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज कम हुआ, तो उसी के वेटेज में दूसरा सब्जेक्ट बढ़ना बढ़ना है गेट के एग्जाम में। जैसे यहां पर अगर आप देखो, अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज कम होगा तो इट मीन्स टोम का वेटेज उस एग्जाम में ज्यादा होगा। अगर सोम का वेटेज कम हो रहा है तो एमडी का वेटेज बढ़ेगा। अगर एमडी का वेटेज डिक्रीज हो रहा है तो सोम का वेटेज इंक्रीज होता है। वैसे ही अगर टोम का वेटेज डिक्रीज होगा तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज बढ़ जाता है। उन्हीं के रेशियो में, ये सब एक दूसरे के रेशियो में होते हैं, टोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक साथ चलते हैं, इनका रेशियो एक साथ चलता है। अगर थ्योरी ऑफ मशीन कम हुआ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बढ़ेगा। वैसे ही यहां पर अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वेटेज किसी एग्जाम में कम होता है तो इट मींस कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का वेटेज बढ़ जाता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। बात आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, बिकॉज ये होते हैं सबसे सिंपल ग्रुप होते हैं, और सबसे आसानी से इनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। टोटल गेट गेट ओरिएंटेशन पे जाओ तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से 90% न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कहां कहां से आते हैं, आप लोग कॉलेज लाइफ में तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड स्टडी करते नहीं हो, तो यहां पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर मैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को पांच पार्ट्स में डिवाइड करूं, वन इज कास्टिंग, कास्टिंग, सेकेंड वन इज वेल्डिंग, वेल्डिंग, थर्ड वन इज फॉर्मिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल फॉर्मिंग, फोर्थ वन इज मेटल कटिंग, मेटल कटिंग, फिफ्थ वन इज मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी। अब देखो, और एक इसी में मैंने इंक्लूड किया है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, सिक्स्थ टॉपिक इज मटेरियल साइंस। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज 1 to 2 marks, इट कंटेन्स 1 to 2 marks। दिस इज ऑल्सो 1 to 2 marks इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट द वेटेज, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। समटाइम्स द क्वेश्चंस वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। लेट अस नाउ डिस्कस न्यूमेरिकल कहां कहां से आते हैं। कास्टिंग से एक न्यूमेरिकल फिक्स है एग्जाम में, गेट के एग्जाम में कास्टिंग से 1 to 2 questions, वेल्डिंग से 1 question, मेटल फॉर्मिंग से 2 to 3 questions, मेटल कटिंग, मेटल कटिंग सबसे बड़ा टॉपिक होता है इसमें। अगर आप देखो तो मेटल कटिंग में आपका टोटल एनसीसीएनसी, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, सेपर, प्लेनर, टोटल मशीनिंग प्रोसेस आ जाती हैं। लेकिन जनरली जो अगर आप देखते हो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के व्यू से, तो टूल लाइफ, टूल ज्योमेट्री एंड
एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग, मतलब एमसीडी वगैरह जो हम पढ़ते हैं, मर्चेंट सर्कल डायग्राम, वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। टोटल न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आते हैं, तो इट कंटेन्स 3 to 4 क्वेश्चंस इन एवरी गेट एग्जाम, एंड मेट्रोलॉजी कंटेन्स 1 to 2 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 1, 2, 4, 3, 7, 1, 8 to 9 क्वेश्चंस ऑल 3 to 4, 3 to 5, बिकॉज वी इंक्लूड द एनसीसीएनसी एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस ऑल्सो, देन वी कैन से दैट 3 to 5 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मेटल कटिंग। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन। मेटल फॉर्मिंग कंटेन्स 2 to 3 क्वेश्चन। इन मेटल फॉर्मिंग में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, कोल्ड वर्किंग, सेकेंड इज हॉट वर्किंग, थर्ड वन इज रोलिंग, देन फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्रॉइंग, सीट मेटल, देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक। दिस इज द ब्रीफ एनालिसिस, दिस इज द टॉपिक्स विच वी विल कवर इन मेटल फॉर्मिंग, सीट मेटल ऑपरेशन, वायर ड्रॉइंग, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन। तो यहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इनके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला आते हैं, और आप फॉर्मूला पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो। तो ये दो टॉपिक्स सबसे बड़े टॉपिक्स भी हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इसमें आप कंटेन कर सकते हो। इट ऑल्सो कंटेन्स 23 to 25 मार्क्स इन गेट एग्जाम्स। ओके, नाउ वी विल सी the phrase analysis of topic wise analysis of every subject for gate exam for mechanical engineering. सबसे पहले देखते हैं एक एक subject की analysis देखते हैं। तो सबसे पहले हमने analysis में start किया number 1, engineering mechanics. engineering mechanics को हम तो कह देते हैं this is very basic subject, because सब लोग पढ़ के आते हैं 11th 12th में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिजिक्स होती है, बट लगभग सबको प्रॉब्लम आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दो पार्ट्स में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, वन इज स्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में जो पार्ट हम कवर करते हैं, जो सिलेबस में कवर करते हैं, वन ट्रस, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ट्रस से पहले अगर हम देखें तो इसमें जो कवर हम करते हैं ट्रसेज में, ट्रस से पहले अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, वेक्टर, बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर, सेकंड वन इज एफ, फोर्स एनालिसिस, थर्ड वन इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, देन ट्रसेज एंड फ्रेम्स एंड फ्रिक्शन, एंड देन वर्चुअल वर्क। इसमें अगर आप देखो तो स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है FBD। अगर फोर्स एनालिसिस हमने सीख लिया है, FBD आ गया, तो एक क्वेश्चन ऑलवेज वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ट्रसेज, वन क्वेश्चन, एंड चांस रहता है कि एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाए। आजकल ट्रेंड जैसा चल रहा है गेट एग्जाम का, मैकेनिक्स के वेटेज जो हो रहे हैं, अच्छे खासे वेटेज अब मैकेनिक्स में बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर स्टैटिक एनालिसिस में अगर आप देखो तो दिस आर द बेसिक्स, वेक्टर और फोर्स एनालिसिस और FBD तो बेसिक है, तो इन्हीं के एनालिसिस से आप क्या निकाल सकते हो, ट्रसेस के जो न्यूमेरिकल होते हैं सॉल्व होते हैं, तो एक क्वेश्चन ट्रस से आना आता ही है। एंड वर्चुअल मेथड एक तो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन,
And one of method is, one such one method is virtual work. Virtual work. Friction से भी एक question आता है, अगर आप recent trends उठा के देखो, तो truss और friction से एक एक question मिली जाएंगे. अब आते हैं dynamic portion में. Dynamic portion को two parts में हम study करते हैं. Dynamic of particles means particle dynamic आप बोल लो, and rigid dynamic of rigid body. Rigid body dynamics. यहां पर dynamics में kinematics और kinetic दोनों चीजें पढ़ेंगे हम. जो dynamic के portions जो हो गए kinematics and kinetics. Kinematics and kinetics, ये दोनों पार्ट इसमें कवर अप करते हैं. काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल्स, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स एंड काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी. काइनेमेटिक्स के अंडर में हम केवल स्पेस टाइम रिलेशनशिप की एनालिसिस करेंगे, जहां पे हम देखेंगे पोजीशन, मोस्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम वहां पर कवर अप करेंगे. और फिर हम आएंगे काइनेटिक्स में, जहां पर कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, मतलब एफबीडी और एमएडी दोनों की एनालिसिस करेंगे. किसी भी बॉडी का एफबीडी बनाएंगे और एमएडी बनाएंगे, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे. काइनेमेटिक्स में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में. जैसे सारी चीजें जब डिस्कस होंगी, मैं अभी बस टॉपिक एनालिसिस कर रहा हूं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. तो काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, काइनेमेटिक ऑफ रिजिड बॉडी, यहां से एक क्वेश्चन और काइनेटिक से भी एक क्वेश्चन रहने की उम्मीद रहती है. और यहां से क्वेश्चन आए या ना आए, यहां से दो क्वेश्चन फिक्स आने ही है, मिलने ही है. और दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ आवर थ्योरी ऑफ मशीन. अगर हमें काइनेमेटिक नहीं आएगा रिजिड बॉडी का, तो हम थ्योरी ऑफ मशीन में वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस, मैकेनिज्म्स के करने मुश्किल हो जाते हैं. इट मींस कि अगर हम डायरेक्ट देखें, तो डायनेमिक एनालिसिस जो होगी हमारी, वो किस सब्जेक्ट में, इसका एप्लीकेशन पार्ट कहां मिलेगा हमें, वो एप्लीकेशन पार्ट हमें मिलेगा थ्योरी ऑफ मशीन में. तो उस बेस से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और स्टैटिक का एप्लीकेशन पार्ट हमें कहां मिलने वाला है, स्टैटिक का एप्लीकेशन पार्ट हमें मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एप्लीकेशन पार्ट कहां मिलता है, मशीन डिजाइन में. तो इस सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आप देखो, तो टोटल जो रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. 4 to 6 मार्क्स कम्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. मतलब कि एक से दो क्वेश्चन स्टैटिक से और 2 से 3 क्वेश्चन डायनेमिक से रहने हैं. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट एनालिसिस हम करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन. नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट इज थ्योरी ऑफ मशीन. थ्योरी ऑफ मशीन. अब थ्योरी ऑफ मशीन में टोटल हमें पढ़ने हैं, पहले तो सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस है आफ्टर 2016 गवर्नर और बैलेंसिंग को भी ऐड कर दिया उन लोगों ने. तो इसमें हमें जो जो चीजें पढ़नी है, फर्स्ट हमें पढ़ना होता है सिंपल मैकेनिज्म. सेकेंड वन इज वेलोसिटी एनालिसिस. थर्ड वन इज एक्सेलरेशन एनालिसिस. फोर्थ वन इज गियर्स. फिफ्थ वन वी कैन से डेट द गियर ट्रेन. सिक्स्थ वन कैम एंड फॉलोअर्स. सेवेंथ वन, नाउ वी विल मूव ऑन द डायनेमिक पोर्शन, फ्लाईव्हील. एट वन गवर्नर. नाइन्थ वन बैलेंसिंग.
And the most important 10th one is vibration. This topic is very important for the gate point of view. Now we will start the analysis of this subject. Topic wise analysis kar rahe hai. Simple mechanism. Simple mechanism contains 1 to 2 question in every gate exam. जो हम सिंपल मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें देखते हैं, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म्स, जिसके अंदर आपका QRMM क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो दो होते हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल या उनके ऊपर थ्योरी, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसमें। फिर आप टॉगल पोजिशन भी कह सकते हो, फिर इसमें आप मैकेनिकल एडवांटेजेस की भी बात कर सकते हो, टोटल ग्रबलर्स इक्वेशन, कुसबैक इक्वेशन, ग्रासॉफ्स लॉ, ये टोटल चीज आप इसमें देख सकते हो, और यहां से एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। वेलोसिटी एनालिसिस एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, इट कंटेन्स ऑलवेज, इट कंटेन्स 1 to 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, इट मीन्स इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। गियर तो पहले नहीं था सिलेबस में, बट आफ्टर 2016 गियर को भी एड ऑन किया, बट गियर ट्रेन के लिए ऑलवेज आपको गियर पहले पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके गियर ट्रेन समझ आएगा। और गेट का जो ट्रेंड चलता है, ऑलवेज 1 क्वेश्चन यहां से, ऑलवेज जो कि गियर ट्रेन से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 क्वेश्चन ऑलवेज कम्स फ्रॉम गियर ट्रेन। कैम एंड फॉलोअर, यहां से आप कह सकते हो 0 to 1 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फ्लाईव्हील, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 क्वेश्चन ऑलवेज, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। गवर्नर बैलेंसिंग न्यूली एडेड टॉपिक्स। तो 1 क्वेश्चन, वी कैन से दैट 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वाइब्रेशन टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 to 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन, तीनों वाइब्रेशन जो नेचुरल वाइब्रेशन है, डैम्प्ड वाइब्रेशन है, और थर्ड वन जो अपना फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है, इन तीनों वाइब्रेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन वगैरह जो पढ़ते हैं हम लोग, वहां से वर्लिंग ऑफ शाफ्ट्स वगैरह, टोटल टॉपिक से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। ये टॉपिक हो गया, फिर आपका सिंपल मैकेनिज्म हो गया, वेलोसिटी एनालिसिस हो गया कंबाइंड विद एक्सेलरेशन एनालिसिस, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर थ्योरी ऑफ मशीन। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कंटेंट विच वी विल कवर फॉर गेट एग्जाम और ईएस एग्जाम। 1, 2, 3, 4। 1 इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस। सेकेंड वन इज स्ट्रेसेस इन बीम्स। थर्ड वन इज टॉर्सन। फोर्थ वन इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंस। फिफ्थ वन थ्योरीज ऑफ फेलियर। किसी किसी एग्जाम में थ्योरीज ऑफ फेलियर को सिलेबस में दिखाया जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मशीन डिजाइन। एक्चुअली दिस टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ मशीन डिजाइन, बट वी विल कवर आफ्टर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट, दिस इज बोथ आर इंटर रिलेटेड चैप्टर्स, दैट्स वाई
I will put here, I am putting this chapter here in strength of material. Okay, principal stresses and principal strength theories of failure. And sixth one is SFD and BMD. Seventh one is slope and deflection. Eighth one, thin pressure vessels. Ninth one, theories of column. And tenth one is spring. And 11th one, hardness testing. Okay, तो यहां पर देखते हैं इसमें कौन सा चैप्टर अपना सबसे कितना इंपॉर्टेंस रखता है और वेटेज क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस. दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रेस और स्ट्रेन एनालिसिस बहुत ही सबसे अगर कहा जाए बेसिक और सबसे बड़ा चैप्टर आप कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है. तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस आप इसे आप बेसिक भी कह सकते हो, बेसिक्स ऑफ सोम सब्जेक्ट. अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. आप सोचोगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एनालिसिस को छोड़ के स्ट्रेसेज इन बीम्स, टॉर्सन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो स्ट्रेसेज इन बीम, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्ट्रेसेज इन बीम्स, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का देखना होता है और वेरियस इक्वेशंस जो आपके बेंडिंग इक्वेशन आते हैं उसको पूरा एनालाइज करना और उनके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना. टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं. वेव फ्लेंज के क्वेश्चंस जैसे हो गए, वेव और फ्लेंज में कैसा होगा, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन बीम के, वेरियस टाइप के क्रॉस सेक्शन के बीम के टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की एनालिसिस हम इस चैप्टर में करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टॉर्सन में हम टोटल ट्विस्टिंग मूवमेंट की बात करेंगे और प्योर टॉर्सन की बात करेंगे. फिर टॉर्सन इक्वेशन जो आपका होता है T/J इज इक्वल टू T/R इज इक्वल टू G θ/L. दिस इज टॉर्सन इक्वेशन. इस इक्वेशन की पूरी एनालिसिस इस चैप्टर में करेंगे. फिर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ शाफ्ट देखेंगे, शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट इन पैरेलल, सीरीज में डिफरेंट ट्विस्टिंग कंडीशंस, तो टोटल चीजें इसमें देखेंगे. फिर हम लोग टेपर्ड शाफ्ट को भी ट्विस्टिंग में देखेंगे, तो उनकी टोटल एनालिसिस हम इस चैप्टर में करेंगे टॉर्सन में. और टोटल जो साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट. साइन कन्वेंशन फॉर एवरीथिंग मीन्स द साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स, साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट, साइन कन्वेंशन ऑफ एक्सियल लोड्स, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दिस फोर्थ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलवेज वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, प्रिंसिपल स्ट्रेसेज एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंथ. दिस इज जनरली कंबाइंड लोडिंग कंडीशन. ऊपर के जितने ये दो चैप्टर्स जो हम देखेंगे, दीज आर ऑल इन प्योर. फर्स्ट चैप्टर की एनालिसिस जो करेंगे प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन में, उसकी जो एनालिसिस जो हम निकालते हैं सिग्मा इज इक्वल टू P/A, दिस इज अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन. देन स्ट्रेसेस इन बीम्स में जो M/I इज इक्वल टू σb/y इज इक्वल टू E/R की जो एनालिसिस हम करते हैं, ये भी टोटल प्योर बेंडिंग का कंडीशन होता है. और टॉर्सन इक्वेशन भी हम प्योर टॉर्सन के कंडीशन में एनालाइज करके निकालते हैं. बट कंडीशंस जब आती है अपनी कंबाइंड लोडिंग की, कंबाइंड लोडिंग मतलब क्या, कोई भी मेंबर, एनी मेंबर इज अंडर एक्सियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बोथ, लोडिंग अंडर एक्सियल एज वेल एज शियर बोथ, तो दैट इज कॉल्ड द कंबाइंड लोडिंग कंडीशन. और कंबाइंड लोडिंग कंडीशन में एनालिसिस कहां से होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंथ से. तो उस टॉपिक पे हम टोटल चीजें एनालाइज करते हैं हम लोग और वहीं पर हम देखते हैं मोहर सर्कल की भी एनालिसिस हम उसी चैप्टर में करेंगे. देन उसी से रिलेटेड इंटर रिलेटेड
चैप्टर आता है थ्योरीज ऑफ फेलियर। जनरली थ्योरीज ऑफ फेलियर का यूज हम करते हैं डिजाइन में, मैकेनिकल मशीन डिजाइन में यूज करते हैं, बट थ्योरीज ऑफ फेलियर के टोटल जितनी 5 थ्योरीज हैं वो प्रूफ होती हैं, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। ओके, तो इसीलिए हम लोग, मैं जहां तक देखता हूं प्रिंसिपल स्ट्रेसेज और प्रिंसिपल स्ट्रेन के जस्ट बाद इस चैप्टर को रखा, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर में जो 5 थ्योरीज हैं अपनी, उन 5 थ्योरीज की एनालिसिस करते हैं, और दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट वन इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने सबने कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा अगर सोम सब्जेक्ट में टेंस्ड रहते हो या स्ट्रेस्ड रहते हो किसी टॉपिक पे, तो वो होती है SFD और BMD, सबसे ज्यादा बारी पढ़ते हो, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है अपना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। SFD BMD एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज हम लोग को जब तक ये समझ नहीं आएगा इसको हम नहीं कर पाएंगे। देर आर लॉट्स ऑफ मेथड, द डबल इंटीग्रेशन मेथड इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द थ्योरी ऑफ SFD एंड BMD। द एरिया मूवमेंट मेथड इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द BMD डायग्राम, M अपन EI डायग्राम। वी विल ड्रॉ और कंस्ट्रक्ट द M अपन EI डायग्राम फॉर द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एंड M डायग्राम इज कम्स फ्रॉम द BMD। ओके, नेक्स्ट वन इज द थिन प्रेशर वेजल्स। थिक प्रेशर वेजल इज नॉट इन सिलेबस ऑफ गेट एग्जाम, बट थिक प्रेशर वेजल्स आर द पार्ट ऑफ ES एग्जाम्स। नेक्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ कॉलम। थ्योरी ऑफ कॉलम में मैकेनिकल को केवल आइलर्स थ्योरी पढ़नी है, आइलर्स थ्योरी स्प्रिंग में हेलिकल स्प्रिंग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, फिर हार्डनेस टेस्ट, ये 2016 में न्यूली एडेड टॉपिक है हार्डनेस टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट एनालिसिस इज आवर फोर्थ सब्जेक्ट एनालिसिस इज मशीन डिजाइन सब्जेक्ट। इंटर दोनों मशीन डिजाइन और सोम एक दूसरे के रेशियो में ही इनके नंबर बढ़ते और घटते हैं। अगर एक का वेटेज अगर गेट एग्जाम में बढ़ता है तो दूसरे का वेटेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एप्लीकेशन पार्ट, तो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन कर रहे हो तो मशीन डिजाइन का वेटेज कम करना ही पड़ेगा, ज्यादा अगर उसका करते हैं, फिर अगर मशीन डिजाइन का वेटेज ज्यादा करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज उन्हें कम करना ही पड़ेगा। बोथ आर इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट, तो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के पूरक है, एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट से एक ही से ज्यादा का वेटेज देने का मतलब नहीं बनता है। ओके, तो यहां पर देखते हैं मशीन डिजाइन में टॉपिक्स, आप लोगों को क्या क्या टॉपिक कवर करना पड़ेगा मशीन डिजाइन के लिए, जो कि मशीन डिजाइन में फर्स्ट हम पढ़ते हैं ज्वाइंट्स की एनालिसिस करेंगे। सेकेंड वन डिजाइन अगेंस्ट फटिग लोडिंग। थर्ड वन में हम देखेंगे बियरिंग्स। फोर्थ वन देखते हैं क्लचेस। फिफ्थ वन ब्रेक्स। सिक्स्थ वन गियर एंड सेवेंथ वन स्प्रिंग, तो हमने वहां पर देख लिया है, तो आप यहां तक देख सकते हो कि कैसे ज्वाइंट्स की एनालिसिस करते हैं। ज्वाइंट्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ज्वाइंट्स में देयर आर टू टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, टेम्पररी एंड परमानेंट। तो जो गेट की एनालिसिस आती है, आप अगर ज्वाइंट्स में देखो तो टेम्पररी और परमानेंट, अब इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, नकल ज्वाइंट्स हो गया, ये क्या होता है टेम्पररी ज्वाइंट होते हैं, परमानेंट में वेल्डिंग हो गया, रिविट हो गया। तो आपके जो टॉपिक जो क्वेश्चंस आते हैं रिविट सेकेंड वन वेल्डिंग
and third one is bolt joint. एक क्वेश्चन रिविट से हो, वेल्डिंग से हो या बोल्ट जॉइंट से हो, एक क्वेश्चन ऑलवेज यहां से रहता है. डिजाइन अगेंस्ट फटिग लोडिंग. फटिग लोडिंग में क्या, एसएन कर्व, फिर सोडरबर्ग, गुडमैन एंड गर्बर्स इक्वेशन जो हम बनाते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा. और इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे, स्ट्रेस साइकिल, एम्पलीट्यूड, देन मैक्सिमम मिनिमम रेंज, मीन, टोटल चीजें देखेंगे इस चैप्टर में. एंड्योरेंस लिमिट, फिर आप देखोगे एंड्योरेंस लिमिट आप देखोगे, देन आफ्टर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर एंड्योरेंस लिमिट, नोचेस, फ्लो, स्ट्रेस फ्लो लाइंस, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर अप करेंगे. ठीक है, इसमें टोटल चीजें कवर अप करेंगे. तो एक क्वेश्चन यहां से फिक्स, जो फिक्स क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से फिक्स रहता है. किसी भी ईयर के गेट का एग्जाम उठा के देखो, एक एक क्वेश्चन दोनों जगह से फिक्स रहता है. थर्ड टॉपिक इज बियरिंग क्लच ब्रेक्स. इन तीनों टॉपिक्स से दो क्वेश्चन मिल जाने हैं. अब बात आती है बियरिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है. तो बियरिंग में आप देखो, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो लाइफ पूछा जाता है, लाइफ ऑफ बियरिंग, यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. सेकेंड वन इज थ्रस्ट बियरिंग एंड थर्ड वन इज जर्नल बियरिंग की एनालिसिस, थ्रस्ट बियरिंग की एनालिसिस. और थ्रस्ट बियरिंग की ही एनालिसिस दो तरह से हम करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. और यहीं से आप फ्रिक्शन क्लचेज की भी एनालिसिस करते हो, इन्हीं थ्योरी से. ओके, तो बियरिंग के जस्ट बाद क्लचेज पढ़ते हैं, क्लचेज के बाद ब्रेक्स. ब्रेक कितने टाइप के हम पढ़ेंगे, सू ब्रेक पढ़ेंगे, ड्रम ब्रेक पढ़ेंगे. ठीक है, सू ब्रेक, बैंड ब्रेक, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक एंड द ब्लॉक बैंड ब्रेक. ये ब्रेक से क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं सब टॉपिक से आएंगे. एंड लास्ट वन इज द गियर. गियर में हम जनरली पढ़ते हैं स्पर गियर. तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सेक्शन है, ग्रुप ए जो हमने डिवाइड किया था, ग्रुप ए का हमने एनालिसिस देखा. ग्रुप फर्स्ट की एनालिसिस में टोटल हमने क्या देखा, 23 to 25 मार्क्स कंटेन करता है. और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एनालिसिस से हमने ये सारी चीजें देखी. अभी ग्रुप वन का देखा. नाउ लेट अस सी द एनालिसिस ऑफ ग्रुप